अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एंशिएंट ग्रीस और रोम की जो है वो हिस्ट्री देखेंगे, और हमारा जो टाइमलाइन है वो 1200 to 800 BCE है, और उसके अलावा 100 to 800 कोमनेरा सीई है। जो एंशिएंट ग्रीस है वो हम सिर्फ बीसीई का कवर करेंगे, क्योंकि जो कोमनेरा है तब तो रोमन एम्पायर जो है उन्होंने इसके ऊपर रूल किया था, और जो हमारे पास रोम है उसका सिर्फ हम सीई कॉमन एरा में कवर करेंगे, क्योंकि उसका हमारे पास 1200 to 800 का मिलता नहीं है, तब वो एग्जिस्ट नहीं करता था। लैंड एग्जिस्ट करता था लेकिन रोम एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये हमारे पास मैप है एंशियंट ग्रीस का। अगर आपको मेरा ये माउस पॉइंटर नजर आ रहा हो, ये नीचे पेलोपनीस ये रीजन जो है, और ये ऊपर एटोलिया, ये सारा रीजन जो है माइसिनियन ग्रीस कहलाता था अराउंड 1200 BC। और यहाँ पे आपको जो सिटी स्टेट्स हैं इसकी बड़ी बड़ी वो नज़र आ जाएंगी। ये नीचे स्पार्टा है और ये कोरिंथ है, इसी तरह यहाँ पे थीब्स है, और इसके अलावा ये ओलंपिया है, एंड सो ऑन। तो ये आपने मैप थोड़ा सा ये याद रख लेना। यहाँ पे एजेंट सी है हमारे पास, और आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे इस पिक्चर में तमाम जो पीरियड्स हैं एंशियंट ग्रीस के वो हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास 1200 से पहले तीन सिविलाइजेशन गुजरी हैं, साइक्लेडिक, मिनोन एंड माइसिनियन। और जो 1200 है उसके अराउंड हमारे पास माइसिनियन जो है ग्रीस वो थी, वो सिविलाइजेशन थी। एंड देन वी गो इनटू द डार्क एजेस 1100 to 800। सम स्कॉलर्स के जो है सम स्कॉलर्स कहते हैं कि ये 1200 से 800 है, कुछ कहते हैं 1100 to 800 है, सो इट्स फाइन। और इसके बाद हमारे पास बाकी के जो पीरियड्स हैं वो आ जाते हैं, जिसमें क्लासिकल गोल्डन एज जिसे कहते हैं, एंड सो ऑन। और 146 BC में रोमन एम्पायर जो है उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था ग्रीस के ऊपर। तो हम जो है इसके जो मेजर इवेंट्स हैं उनको देखेंगे कि इस पीरियड के दौरान 1200 to 800 कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं एंशियंट ग्रीस में। तो 1200 to 800 जो BCE का पीरियड है इसको हम डार्क एजेस कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पीरियड के हमारे पास कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं है मौजूद, क्योंकि इनका जो लीनियर बी राइटिंग सिस्टम था उस वक्त का, वो तब मतलब कि वो डिस्ट्रॉय हो गया था, या इट वाज लॉस्ट, ठीक है ना, वो जो है ख़त्म हो गया था। तो इसलिए हमारे पास कोई राइटिंग्स वगैरह नहीं मिलती हमें, जिससे हम देख सकें कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कि वहाँ के जो ऑथर्स वगैरह थे उन्होंने कुछ लिखा हो। तो इसलिए हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको डार्क एजेस कहा जाता है। और जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो ग्रीक स्कॉलर या ऑथर्स की राइटिंग्स हैं, जो कि 400 या 600 साल बाद आई थी डार्क एजेस के। और उसमें उन्होंने बहुत सारी अपनी जो है लेजेंड्स वगैरह, किस्से कहानी और मिथ्स जो हैं वो अपनी मिक्स कर दी हैं। तो इसलिए हम पक्का नहीं कह सकते कि डार्क एजेस में क्या हुआ था। आप को जो है थोड़ा सा मतलब के विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ये लेना पड़ेगा कि हाँ ये हुआ था, बट वी नॉट श्योर कि एग्जैक्टली यही चीजें हुई थी कि नहीं। और इस पीरियड के दौरान हमारे पास इकोनॉमिक डिक्लाइन आया, पॉपुलेशन डिक्लाइन आया, और जो है कल्चरल जो है वो चेंजेस वगैरह आए। और अब हम जो है इसके मेजर इवेंट्स जो है वो देखते हैं। पहला जो है 1250 BCE में ट्रोजन वॉर हुआ था। ये जो वॉर है ये ग्रीक्स ने सीज किया था ट्रॉय को, जो कि मॉडर्न तुर्की जो है वहाँ पे एक सिटी है ट्रॉय। ये यहाँ पे अगर आप मैप को देखें तो ये है हमारे पास माइसिनिन, ये ग्रीस है, माइसिनिन ग्रीस, ये सारा इलाका जो आपको पिंक में नज़र आ रहा है, पिंक रेडिश में, और ये एजियन सी के अक्रॉस यहाँ पे आपका ट्रॉय है। तो इसको इन्होंने सीज किया था, और उसकी जो रीज़न है वो ये बताते हैं कि विच इज़ अनदर मिथ, वो नॉट श्योर कि एग्जैक्टली यही रीजन थी कि नहीं। वो कहते हैं कि जो ट्रॉय है वहाँ का जो प्रिंस था पेरिस, उसने स्पार्टन किंग माइसिन ग्रीस का जो स्पार्टन किंग था उसकी जो वाइफ है हेलन उसको किडनैप कर लिया था। इसकी वजह से ये जो है वॉर ये जनरेट हुई, और ये कोई अबाउट 10 ईयर्स तक ये चलती रही वो ये जो ट्रोजन वॉर है। लेकिन वो नॉट श्योर, सम स्कॉलर कहते हैं कि ये भी नहीं पता कि ये हुई भी थी कि नहीं, और इसकी एग्जैक्ट डेट भी हमें नहीं पता। और फिर जब हम 1100 BCE की तरफ मूव करते हैं तो तब माइसिनियन जो सिविलाइजेशन है उसका कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ। वो कैसे हुआ? डोरियन इन्वेजन की वजह से। अब डोरियंस जो थे ये सी पीपल थे,
अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये यहाँ पे ये माइसिनिया है आपका, और यहाँ पे डोरियंस थे, ठीक है। यहाँ से डोरियंस ने क्या किया, पेलोपनीज जो है, जो मैंने आपको पहले शो किया था, ये सारा पेलोपनीज का रीजन है। इन्होंने यहाँ पे इसे इन्वेड किया, इन्वेजन की, और जो है तमाम जो है मतलब के बिल्डिंग्स वगैरह और जितनी भी पूरी सिविलाइजेशन थी उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये डोरियंस कहाँ से आए, ये क्यों आए, उसकी जो रीजन बताई जाती है वो भी थोड़ी सी इतनी क्लियर नहीं है। कहते हैं कि जो डोरियंस थे पहले ये यहाँ पे ही आबाद थे पेलोपनीस में, लेकिन इनको जो माइसिनी का किंग था उसने इनको निकाल दिया था यहाँ से। तो ये अपना जो लैंड है उसे रीटेक करने आए थे कि ये हमारी जगह है तो हम इसको रीटेक करेंगे। डोरियन इन्वेजन हुई, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इसी के दौरान जो है हमारा ये जो राइटिंग सिस्टम एंड सो ऑन, जो चीज़ें हमारी लॉस्ट हुई हैं इसी के दौरान हुई हैं। और इसके हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो भी बहुत कम मिलती है इस इन्वेजन की, क्योंकि कहा जाता है कि अब ये भी श्योर नहीं है कि इन्होंने वेट किया था कि नहीं। कुछ स्कॉलर ये भी कहते हैं कि जो माइसिनियन के लोग थे, माइसिनियन सिविलाइजेशन के, उनके आपस के कुछ झगड़े वगैरह थे और उनकी आपस में जंग वगैरह हुई और उसकी वजह से जो है सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गई, कुछ ये भी कहते हैं, लेकिन जो डोरियन विजन है वो ज्यादा पॉपुलर है। और ये जो है आपको यहाँ पे मैप जो नजर आ रहा है इसमें आपको डिफरेंट सिटीज वगैरह, डिफरेंट एरियाज जो हैं वो नजर आएंगी जो इनकी इन्वेजन से अफेक्ट हुई थी, जिसमें आपके पास ये ग्रीस का इलाका है, उसके अलावा ये एशिया माइनर की तरफ आप जाएं तो ये सारे इलाके जो हैं ये इन सी पीपल की वजह से इफेक्ट हुए थे। अब 1000 BC में क्या होता है कि एशिया माइनर जो है उसको कॉलोनाइज किया जाता है। 1050 BC में जो ग्रीक्स थे वो माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं एजियन आइलैंड की तरफ, अक्रॉस दी एजियन सी। तो ये हमारे पास यहाँ पे माइसिनिया था, ये सी है, तो ये इस तरफ अब अपनी जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो क्यों, सर्वाइव करने के लिए वो अपनी जो है माइग्रेशन वगैरह शुरू करते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जैसे इन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट की डिफरेंट एरियाज में सेटल हुए जाके, तो तीन इनके जो मेजर ट्राइब्स हैं वो इमर्ज हुई, जिसमें हमारे पास आयोनियंस हैं, एओलियंस हैं और डोरियंस हैं। और यहाँ पर आपको इधर मैप में नजर आएगा कि इन्होंने कौन कौन से इलाके जो हैं वो जाके जहाँ पे ये सेटल हुए, ये हमारे पास एजियन सी है, इसकी ऑपोजिट साइड पे हमारे पास माइसिनियन ग्रीस था, और यहाँ पे जो रेड वाला है ये पोर्शन, ये एओलियंस जो हैं उन्होंने इनको यहाँ पे आके सेटल हुए, आयोनियंस जो हैं ये ग्रीन वाले एरिया में, और डोरियंस जो हैं ये ब्लू वाले एरिया में आके सेटल होना स्टार्ट हो गए। और इसी के दौरान क्या हुआ कि इनको आयरन जो है वो मिला, आयरन मेटल जो है वो उनको मिला, जिससे इन्होंने अपने वेपन्स और एग्रीकल्चर जो टूल्स हैं उनको बनाना शुरू किया। पहले इनके पास ब्रॉन्ज था, सिर्फ उससे ये अपनी शील्ड्स और ये चीज़ें बनाते थे, और अब इनको आयरन मिला तो उससे भी इन्होंने अपनी इनोवेशन वगैरह स्टार्ट की। और जो आयोनियंस थे इन्होंने सेटलमेंट्स जो है अपनी साइक्लेड और नॉर्थ और सेंट्रल जो एनाटोलियन कोस्ट है वहाँ वहाँ पे की। ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है ये इनके जो नाम है। और जो एओलियंस थे उन्होंने लेस्बोस और एशिया माइनर कोस्ट, जो हमने अभी देखा कि एशिया माइनर को कॉलोनाइज किया, वो एओलियंस थे यहाँ पर ऊपर एशिया माइनर। और इसी तरह जो डोरियंस थे वो यहाँ पे नीचे की तरफ साइप्रस की तरफ उन्होंने कॉलोनाइज किया। अब पहले तो इन्होंने कॉलोनाइज किया अपने डिफरेंट डिफरेंट जगह, एवरीथिंग। 900 BC क्या किया कि निकलना शुरू हुए, उसमें डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट है, जिसको आपको ये इमेज नजर कि ये जो इन्होंने डिफरेंट जो है इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए, रिसेस वगैरह और ग्रेव मार्कर्स वगैरह, और जो है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स ह्यूमन फिगर्स की बनाई, जिसमें हमारे पास अगर आप ये देखें यहाँ पे तो ह्यूमन कोई ह्यूमन फिगर नहीं है इस इमेज के ऊपर, इसके ऊपर जो है घोड़े बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो फॉर्म्स बनाई थी वो आजकल के जो आर्ट स्टाइल उसमें काफी होती है। बॉडी के लिए आप रेक्टेंगल यूज करते हैं, हेड के लिए आप सर्कल यूज करते हैं, तो वो चीजें अभी भी मतलब के चल रही हैं।
तो क्योंकि इन्होंने माइग्रेशन वगैरह स्टार्ट की डिफरेंट जगह पे, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। और 800 BC के दरमियान में क्या हुआ कि इन्होंने जो अपना माइसिनियन ग्रीस है उसको सिटी स्टेट्स में डिवाइड कर लिया। अब जो माइसिनियन ग्रीस है ना, ये सिविलाइजेशन है, मतलब अब आप एम्पायर के तौर पर देखेंगे, ये एक एम्पायर है, कोई किंग रूल कर रहा है। इसमें डिफरेंट सिटी स्टेट्स थे जिसमें मैंने पहले दिखाया, स्पार्टा, कोरिंथ, एथेंस। अब ये जो है इनकी अपनी पॉलिटिक्स थी, अपना ये किंग जो है अपना सेनेट था, अपना किंग था, और अपने इनके रूल्स थे। ये सारे जो हैं इंडिविजुअली सब कुछ लेके चलते थे, तो ऐसा नहीं था कोई एक किंग के अंदर जो है पूरा का पूरा ग्रीस जो है वो रूल कर रहा है, ऐसा नहीं था। तो अराउंड 900 BC जो मेट्रिक पीरियड आया और ये डार्क एजेस से निकलना शुरू हो गए। अब यहाँ से आगे जो है हम मूव करना शुरू कर देते हैं कॉमन एरा की तरफ। और कॉमन एरा का मैंने आपको कहा कि हमारे पास ज्यादा कोई मतलब कि ग्रीक का हमारे पास कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि तब तो रोमन एम्पायर के अंडर थे वो। लेकिन कुछ मेजर जो है हमारे पास इवेंट्स या कुछ चीजें जो हैं हम मेंशन कर सकते हैं ग्रीक में, जो ग्रीस में जो चेंज हुई रोमन एम्पायर के अंडर, उसमें पहला जो 100 CE में पैक्स रोमाना। पैक्स रोमाना क्या है? पैक्स रोमाना का मतलब है रोमन पीस। अब रोमन पीस जो था ये एक 200 ईयर्स का पीरियड था जिसमें जिसको कहा जाता है कि रोमन एम्पायर के अंदर पीस एंड प्रोस्पेरिटी थी। अब इसको आप इस तरह ना समझिएगा कि बहुत ही कोई खुशहाल माहौल था, बहुत ही मतलब कि कोई अमन का दौर था, और इसमें कोई जंग वगैरह नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें दरअसल जंगें भी बहुत हुई हैं और इन्होंने काफ़ी अपना जो है एम्पायर बिल्ड भी किया है, और इसमें कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं रोमन एम्पायर के अंदर। लेकिन रिलेटिवली बाकी जो पीरियड्स हैं अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो पैक्स रोमाना का जो पीरियड है वो काफ़ी बेहतर था। अब इस पीरियड के दौरान जो सेंट्रल सेंट्रल एरियाज हैं एम्पायर के, और उसके अलावा ग्रीस है और ग्रीक ईस्ट है, इनके दरमियान में काफ़ी एक आबो समझने के पीस था। और वो कैसे था कि जो ग्रीक्स थे उनका उनके जो है कल्चरल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस जो थी वो काफ़ी बढ़ गई। जैसे कि एथेंस है, एथेंस अब एक ग्रीक सिटी स्टेट था। एथेंस के अंदर जो कल्चरल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस थी वो काफ़ी बढ़ गई इस एरा के दौरान। और उसके अलावा जो ग्रीक एलीट्स थे वो भी रीअपियर हुए, ठीक है ना, वो दोबारा आना शुरू हुए, और उन्होंने जो रोमन एम्पायर के जो सेनेट है उसमें उनको पार्टिसिपेशन का भी राइट दिया गया। सो दैट्स व्हाई इट इज मेंशन। और 200 CE में थिएटर एट बोड्रम, एंटिक थिएटर जो है तुर्की में, उसको एक्सपेंड किया गया मजीद, ठीक है, रोमन एम्पायर के अंडर। और उसके अलावा ग्रीक जो लिटरेचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन वगैरह हुई फ्रॉम 80 टू अराउंड 230 CE तक। लेकिन अब 267 में क्या होता है कि हेगुलाई जो है वो एक जर्मेनिक ट्राइब जो है वो इन्वेड कर देती है एथेंस को। पहले तो सब कुछ ठीक था, एथेंस में काफ़ी प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन 267 में आके हेगुलाई जो जर्मेनिक ट्राइब है वो आके इन्वेड करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है एथेंस को। ओके, नेक्स्ट 300 CE में क्या होता है कि एंड ऑफ ओलंपिक गेम्स, जो थियोडोसियस है रोमन एम्परर जो था 393 में, वो क्या करता है कि जो ओलंपिक गेम्स जो ग्रीक्स ने स्टार्ट की थी सबसे पहले 776 BC में, उनको वो ख़त्म कर देता है। और जो पेगन टेम्पल्स हैं उनको भी मतलब कि वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, क्लोज कर देता है, जिसमें हमारे पास जो टेम्पल ऑफ ज्यूस है वो भी आता है। और इसके अलावा जो पार्थेनॉन था, पार्थेनॉन जो कि एक टेम्पल था ग्रीक गोडेस का, एथेंस ग्रीक गोडेस है, उसका जो टेम्पल पार्थेनॉन है उसको चर्च में कन्वर्ट किया जाता है 500 CE के दौरान। अब हम मूव करते हैं एंशंट रोम की तरफ, जिसका हम सिर्फ जो कॉमन एरा वाला पीरियड है वो देखेंगे, 100 to 800 CE। अब से पहले इस पर एम्पायर एक्सपेंड रोम है, सिर्फ उसका था वो इतना था, ये आपको नजर आ रहा है काफी नहीं था, ये एक विलेज और एक टाउन तो मतलब एग्जिस्ट करता था, और इसके ऊपर आपको ये एट्रुस्कन नजर आ रहे हो के ऊपर।
देखते थे। और एट्रुस्कन्स जो है, इनसे जो रोमन एम्पायर है वो काफी वो इन्फ्लुएंस हुआ, काफी चीजें जो है एट्रुस्कन्स से रोमन्स ने जो है अडॉप्ट की, उनका कल्चर और उनकी जो है वो पोट्री एंड एवरीथिंग एंड सो ऑन। तो रोम जो है वो क्या था, एट्रुस्कन्स को रोमन जो है काफी इससे इन्फ्लुएंस हुए, और ये जो है उसका मैप है रोम का। अगर आप थोड़ा जूम इन मतलब एक व्यू देखना चाहें जिसमें डिफरेंट ये हिल्स वगैरह नजर आ रही हैं, तो इतना ही था स्टार्ट में। अब इसका पीरियड है 100 to 800 CE। अब इसकी जो बिगिनिंग है वो थोड़ी सी मिथिकल है कि जो दो भाई थे उन्होंने मतलब के रोम जो है उन्होंने फाउंड किया, उनके नाम पे आया वगैरह वगैरह, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल मिथ है। वो काफी मतलब के BC में वो स्टोरी आती है, लेकिन ये बिल्कुल एक विलेज के तौर पे स्टार्ट हुआ, एक टाउन के तौर पे स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि अराउंड 100 CE जो रोमन एम्पायर है वो एक्सपेंड होना शुरू हुआ। सबसे ज्यादा उसकी जो एक्सपेंशन है वो 100 CE के दौरान हुई, और उसके बाद इसमें काफी जो है सिविल वॉर्स और स्प्लिट वगैरह आए, कि जो रोमन एम्पायर है वो स्प्लिट होना शुरू हो गया वेस्टर्न और ईस्टर्न एम्पायर में। तो ये हमारा जो मैप है यहाँ पे, अगर आप ये ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा है डेशा। डेशा जो है ये रोमन्स ने इसको इन्वेड किया था, तो ये इन्वेजन से पहले है डेशा। ये मॉडर्न डे जो आपका है वो रोमेनिया, ये वो है डेशा, मॉडर्न डे रोमेनिया है। तो सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर 100 CE जो है, इसको हम एरा ऑफ 5 गुड एम्परर्स भी कहते हैं। और ये बाय द वे ये वही दौर अभी चल रहा है जो कि पाक्स रोमाना का है, क्योंकि पाक्स रोमाना जो है वो 27 BC से हमारे पास आया था 180 CE तक, मतलब आप समझ लें कि करीबन 200 साल बनते हैं। तो उसी के दौरान ये जो उसका लास्ट एरा चल रहा था वो था एरा ऑफ 5 गुड एम्परर्स 90 to 180 CE, जिसमें हमारे पास नया है और आगे अप टू मार्कस ऑरेलियस। अब 100 CE में क्या होता है कि सबसे बड़ी एक्सपेंशन जो होती है रोमन एम्पायर की तब होती है, जिसमें जन जो है वो रूल कर रहा होता है। और इसने जो है इसका जो गोल था मेन वो ये था कि इसने रोमन एम्पायर की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें डेशिया, नेबेटियन किंगडम और मेसोपोटामिया और आर्मेनिया की तरफ जो एक्सपेंड करना था। और ये एक्सपेंशन इसने फिर जो है की भी 101, 102 CE और 105 और 106 CE में इसने डेशिया को इन्वेट किया। तो ये दो कैंपेन्स थी इसकी जिसपे इसने इन्वेट किया और कॉन्कर भी किया फिर। और 106 में नेबेटियन किंगडम जो है उसको भी रोमन एम्पायर के साथ मिला लिया, और जो मेसोपोटामिया और असीरिया है 114 में वो भी प्रोविंसेस जो है वो भी इन्होंने मतलब के ऑर्गेनाइज की बना दी। और स्कॉटलैंड को 136 CE में इन्वेट किया, और रोमन और पार्थियन जो वॉर है वो 156 CE to 170 तक चला। अब जो रोमन पार्थियन वॉर है ना, ये कोई एक बैटल नहीं है, ये बहुत ही लंबे सीरीज ऑफ बैटल्स हैं रोमन पार्थियन वॉर जो हैं, जिनको हम रोमन पर्शियन वॉर्स भी कहते हैं। और ये 158 से स्टार्ट नहीं हुए थे, ये BC से ही स्टार्ट हो रहे थे, और ये काफ़ी अरसे तक चलते रहे, सेंचुरीज तक चलते रहे। यहाँ पे मैंने सारे मेंशन नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं बैटल्स, कोई एक दो नहीं है। और जो कुछ सिग्निफिकेंट बैटल्स हैं जो कुछ खास जो हमारे यहाँ पे इवेंट्स हैं उसमें जो मेंशन हो रहे हैं, मैंने सिर्फ वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा सीरीज ऑफ बैटल्स हैं, क्योंकि जो रोमन एम्पायर था और जो पार्थियन एम्पायर था इनकी बहुत पुरानी एक जंग चलती आ रही थी, तो इसलिए। ओके, तो 200 CE में अब क्या होता है, एम्पायर स्प्लिट्स इन टू। अब हमारे पास रोमन एम्परर्स जो थे उनका तो ठीक है 5 गुड एम्परर्स, बहुत ही अच्छा उन्होंने सारा किया जो भी किया, बहुत अच्छा दौर था जिसमें ट्रेजन जो है वो सबसे ज्यादा आप समझ ले जाना जाता है। इवन के इसने डेशिया को कॉन्कर किया जो रोमेनिया है, अगर आप देखें रोमेनिया का जो एंथम है अभी उसमें वो जिक्र भी करते हैं ट्रेजन का, सो दे प्रेज हिम। तो एक ये बात है।
उसके अलावा अब क्या हुआ कि जैसे ही हम 200 CE की तरफ मूव करना स्टार्ट हुए, मार्कस ओरिलियस जो था, जो कि लास्ट ऑफ द 5 गुड एम्परर्स था, उसकी डेथ के बाद उसका जो बेटा है कोमोडस, वो रूल में आया। लेकिन ये जो रूल स्टार्ट हुआ एम्परर्स का, ये जो एम्परर्स थे ये कॉम्पिटेंट नहीं थे, जिसकी वजह से काफ़ी करप्शन वगैरह हुई एम्पायर में, और इन्वेजन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और जो एम्पायर था वो आहिस्ता आहिस्ता करप्ट होना स्टार्ट हो गया। अब कारकाला जो है, ये एक एम्परर था 212 CE में। अब इसने क्या किया, ये दरअसल सीरियन अफ्रीकन था, इसकी मदर जो थी वो सीरियन थी, इसका फादर जो था वो अफ्रीकन था। तो इसने एक आसमे ने वो हुक्म जारी किया कि इसमें जो है सिटीजनशिप जो है वो सबको दी जा रही थी। मतलब पहले जो था, जो इलीट क्लास थी, जो वेल्दी क्लास वेल्दी थे रोमन्स, जो रोमन्स कंसीडर किए जाते थे, सिर्फ उनके पास सिटीजनशिप थी, बाकियों को ये रोमन्स कंसीडर नहीं करते थे जो बाकी एरियाज के थे। लेकिन इसने क्या किया कि इसने सबको सिटीजनशिप दी, ठीक है, चाहे वो कहीं का भी है, अफ्रीका का है, जुडे का है, कहीं का भी है, इसने उनको सिटीजनशिप दी। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे जैसे मूव करना शुरू करते हैं 235 की तरफ, अलेक्जेंडर सेवरस जो एम्परर है, उसकी डेथ के बाद, जो कि उसकी डेथ जो है मिलिट्री की तरफ से हुई थी, जो प्रेटोरियन गार्ड्स थे उन्होंने उसको मैसेकर किया। प्रेटोरियन गार्ड्स पर्सनल गार्ड्स होते हैं एम्परर के, और ये पहली बार नहीं था कि प्रेटोरियन गार्ड्स जो है उन्होंने मैसेकर किया है अपने एम्परर को, ये पहले भी हुआ है और आगे भी अक्सर होता रहा है। तो अब क्या हुआ कि अलेक्जेंडर सेवरस की डेथ के बाद 50 ईयर्स का क्राइसिस आया रोमन एम्पायर में, जिसे हम कहते हैं द क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी, या 3rd सेंचुरी क्राइसिस, जो कि 235 से 284 CE तक चलता है। अब इसमें क्या हुआ कि जो ऑलमोस्ट 26 एम्परर्स जो हैं उन्होंने कोशिश की, मतलब जो 26 समय के लोग हैं, उन्होंने कोशिश की कि हमने एम्परर बनना है, एम्परर की सीट के लिए आने की कोशिश की। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, सिविल वॉर वगैरह था 3rd सेंचुरी में। और इसके अलावा तो इसके दौरान सिर्फ यही नहीं हुआ, इसके दौरान जो है हमारे पास जो गॉथ्स थे, जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी, उनकी भी इन्वेजन्स वगैरह स्टार्ट हो गई रोमन एम्पायर के अंदर। तो रोमन एम्पायर जो है वो बिल्कुल मतलब के कोलैप्स करने की एज पे था। गॉथ्स जो है उन्होंने रेड स्टार्ट कर दी, और जो पहला जो अटैक हुआ 238 में, गॉथ्स ने हिस्ट्रिया जो है उसको सैक किया। और इसके अलावा जो है गॉथ्स के साथ जो बारबेरियन है उन्होंने एजेंसी जो है उसको मतलब कि वहाँ पे वो इन्वेशन वगैरह स्टार्ट की, और डिफरेंट सेटल्समेंट जो है उनको डिस्ट्रॉय वगैरह किया, जिसमें इफिसस है, और वहाँ पे उन्होंने जो टेम्पल है जो गोडेस डायना को डेडिकेट किया हुआ था वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ग्रीक्स का जो टेम्पल था वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन जो है 3rd सेंचुरी में हुई। और इसी के दौरान एक एम्परर जो था, और बाय द वे जो एम्परर आ रहे थे इनको हम बैरक्स एम्परर कहते थे, 3rd सेंचुरी में जो जो भी एम्परर थे उनको बैरक्स एम्परर या फिर सोल्जर एम्परर कहते थे, क्योंकि वो सोल्जर जो है वो लेकर आते थे उन्हें। तो इसी के दौरान अब एक जो एम्परर था जीसियस, उसके दौर में हमारे पास जो असहाबे काफ है उनका जो है वाकया आता है 7 स्लीपर्स 250 CE में। असहाबे काफ का वाकया आता है, और वो कहा जाता है कि जो डीसीएस था वो परसिक्यूशन करता था क्रिश्चियंस की, और क्योंकि वो पेगन रिचुअल्स जो है उनको फॉलो नहीं करते थे। वो कहता था कि आपने पेगन रिचुअल्स जो है उनको फॉलो करना है, और जो सेक्रीफाइस जो आपने करना है वो हमारे जो गॉड्स हैं उनके नेम में करना है। तो जो क्रिश्चियंस थे वो इसका इनकार करते थे, तो प्रोसिक्यूशन काफ़ी चल रही थी। तो तब जो है असहाबे काफ जो है वो कीव के अंदर जाके उन्होंने पनाह ली, और फिर ये जो है थियोडोसियस के एरा में ये मतलब के तब दोबारा ये मतलब उस केव से बाहर आए। तो अब इसके बाद क्या होता है कि इस पूरे क्राइसिस के दौरान जो हमारे पास एम्पायर है वो स्प्लिट हो जाता है 3 पार्ट्स में, जिसमें हमारे पास गैलिक एम्पायर है और रोमन एम्पायर तो है ही, उसके अलावा पालमरीन एम्पायर है। तो अब ये जो 3 एम्पायर हैं,
अब इसमें क्या होता है कि जो गैलिक एम्पायर है 258 to 267 CE इसका जो है वो पीरियड है। उसके अलावा हमारे पास जो पर्लिन एम्पायर है उसमें एक क्वीन रूल कर रही थी और गैलिक एम्पायर में एक किंग रूल कर रहा था, एम्परर जो है। लेकिन अब जैसे जैसे हम 284 की तरफ मूव करते हैं, जो ओरेलियन था, ओरेलियन और डायक्लेशियन का ये एरा आ रहा है, ये जो दो एम्परर हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की एम्परर को, दोबारा जो एम्पायर है उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश की। ओरेलियन ने गैलिक एम्पायर और जो पार्मेनियन एम्पायर है उन दोनों को दोबारा कॉन्कर किया, जिसमें हमारे पास बैटल ऑफ एमिसा या बैटल ऑफ इमाए, जिसमें उसने क्वीन जिनोबिया को शिकस्त दी और जो पार्मेनियन एम्पायर है उसको साथ जोड़ा, और इसी तरह गैलिक एम्पायर को भी साथ जोड़ा। अब जो डायक्लेशियन था उसने क्या किया, उसने कहा, उसने इसको सॉल्व करने के लिए 3rd सेंचुरी क्राइसिस को जो एम्पायर है उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मेनली तो 2 हिस्से ही थे, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एम्पायर। लेकिन उसने क्या किया, उसने टेट्रार्की जो है वो फॉर्म की। टेट्रार्की क्या है, रूल ऑफ द फोर। एक तो ये खुद एम्परर था, ईस्ट को ये रूल कर रहा था, और इसने क्या किया, एक वो एम्परर जो है वो वेस्ट में मतलब के वहां पे भेजा के वहां पे वो रूल करेगा। उसके साथ इसने एक और एम्परर अपने साथ रखा, मतलब के एम्परर तो नहीं था वो, एक आप समझ ले जूनियर, उसको हम टाइटल देते हैं काइजार, जिसको सीजार कहते हैं इंग्लिश में, काइजार। इसी तरह अब ईस्टर्न एम्पायर में 2 थे एम्परर्स और 2 जो थे वो वेस्टर्न में थे, सीनियर्स एंड जूनियर्स। अब ये किस लिए थे दोनों, ये इसलिए थे कि जब ये इनकी डेथ होगी या फिर ये जो है रिटायर होंगे तो वो रूल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3rd सेंचुरी क्राइसिस में यही था कि सारे कह रहे हैं कि हमने रूल करना है, हमने रूल करना है। तो उसने सोल्व करने के लिए क्या किया कि एक जो है सक्सेशन का जो है वो एक पॉलिसी रख दी कि हाँ मैं एम्परर हूँ और मेरे बाद जो है मेरा जो काइजार है वो आएगा, इसी तरह वेस्टर्न में ये है और जो काइजार है वो आएगा। तो टेट्रार्की जो है वो फॉर्म हो गई। तो ये है 100 AD में हमारा जो रोमन एम्पायर है, ये उसकी सारी बाउंड्रीज थी, ये इतना एक्सपेंड हुआ, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन तब थी इसकी। और ये जो है अब डायक्लेशियन ने इसको स्प्लिट कर दिया 284 में इंटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। जो ईस्टर्न था वो बेजेंटीन एम्पायर था और जो वेस्टर्न था वहां पे हमारा रोम जो है वो कैपिटल, और यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है वो हमारा कैपिटल था। ये एक और मैप है जिसमें आपको वाजह जो नजर आ रहा है, ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर है अफ्रीका एंड एशिया की तरफ। ओके और ये कुछ ट्रेड, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ट्रेड क्या हो रही थी इस दौरान, इस पूरे मतलब के क्राइसिस के दौरान, तो ये कुछ ट्रेड्स का उन्होंने मैप बनाया है कि जिसमें हमारे पास ये चीजें जो हैं ट्रेड के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। अब जो टेट्रार्की है वो मतलब के सक्सीड नहीं होती, क्योंकि टेट्रार्की के बावजूद जो है हमारे पास जो है सिविल वॉर्स वगैरह आ गए थे। क्योंकि अब ठीक है सक्सेशन का तो उसने बता दिया कि मेरे पास ये आएगा और वहां पे मेरे पास ये आएगा, लेकिन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि वो उनसे वेट नहीं हो रहा था, उन्होंने जो कायजार है उनको भी असैसिनेट करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो कायजार बन जाएं और आगे आ जाएं ताकि उनका रूल जल्दी आए। तो 8 में सिविल वॉर्स आए टेट्रार्की, और फिर जो है 313 में कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट जो है उसने क्या किया, जो लिसिनियस था उसके दौर में इसने क्या किया। अच्छा बाय द वे डायक्लेशियन जो था उसने परसिक्यूशन बहुत की क्रिश्चियंस की, डायक्लेशियन जो था वो बहुत ही अगेंस्ट था क्रिश्चियंस के, और वो परसिक्यूशन उसने काफी की अपने दौर में। लेकिन जो कॉन्स्टेंटीन था वो क्योंकि उसने खुद भी अडॉप्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी, खुद क्रिश्चियन बन गया था, तो उसने क्या किया कि उसने थोड़ा जो क्रिश्चियन हैं उनके साथ एम्पथी मतलब कि उसने थोड़ी जाहिर की, और उसने एडिक्ट ऑफ मिलान जो है एक हुक्म जारी किया जिसमें उसने कहा कि क्रिश्चियंस के साथ मतलब कोई ज्यादती वगैरह या ऐसा नहीं कुछ किया जाएगा, और उनकी प्रोसिक्यूशन जो है परमानेंटली तब एंड हो गई थी। ये दो इसने जो है मेजर इवेंट्स हुए कॉन्स्टेंटीन के टाइम पे, एक एडिक्ट ऑफ मिलान और दूसरा था जो हमारे पास काउंसिल ऑफ नाइसिन जो थी जिसमें नाइसियन क्रीड क्रिश्चियंस की है वो जारी की गई कॉन्स्टेंटीन के दौर में। अब कॉन्स्टेंटीन जो है वो लिसिनियस जो है उसको शिकस्त देता है
लिसिनियस जो था वो वेस्ट में रूल कर रहा था, कॉन्स्टेंटीन ईस्ट में रूल कर रहा था, लेकिन कॉन्स्टेंटीन जो है इसको शिकस्त देते हैं और उसके बाद पूरा जो एम्पायर है इसके अंडर आ जाता है। एंड इन 329 CE कॉन्स्टेंटीन जो है अपना जो कैपिटल है वो बेजेंटियम में मूव करता है और उसको कॉन्स्टेंटिनोपोल के नाम से उसका मतलब नाम रख देता है अपने नाम से। लेकिन जो है 337 में कॉन्स्टेंटीन जो है वो पर्शियंस के खिलाफ एक कैंपेन मतलब के बनाते बनाते ही मर जाता है। कैंपेन अभी चलती नहीं है, अभी वॉर होता नहीं है और वो उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। और 368 में बोस्पोरन किंगडम जो है वो हंस हंस एक अगेन जर्मेनिक ट्राइब है, बोस्पोरन किंगडम को ये क्या करते हैं कि ये मतलब कि वहाँ पे इन्वेड इन्वेड कर देते हैं। अब बोस्पोरन किंगडम जो है ये एशिया एशिया जो माइनर है वहाँ पे आता है और पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा जो है इसके साथ लगता है, बोस्पोरन किंगडम के साथ जो वेस्टर्न पाकिस्तान है और उसका हिस्सा भी इसमें आता है, जो कि ऑन एंड ऑफ आता रहे, नॉट लाइक फॉर कॉन्स्टेंट टाइम, ऑन एंड ऑफ। और 376 में तो जो गोथिक माइग्रेशन होती है यहाँ पे रोमन एम्पायर में। अब ये जो एरिया था ये जो एरा था इसमें गोथिक माइग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि जो हंस थे और जो गॉथ्स थे स्पेशली विजिगॉथ्स, विजिगॉथ्स क्या करते हैं वो रोमन एम्पायर में आना शुरू करते हैं माइग्रेशन के तौर पे। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे मतलब पनाह चाहिए, ठीक है, और रोमन क्या करते हैं उनको दे भी देते हैं, रहना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता गोस को, मतलब कि उनका खाना पीना और उनके ऊपर जुल्म करना, स्लेवरी वगैरह एंड सो ऑन। तो अब ये क्या करते हैं इसकी वजह से ये रिवोल्ट करते हैं और डिफरेंट जो एरियाज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं और जो है टेक ओवर करना स्टार्ट करते हैं, इन्वेड करना स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये इटली की तरफ मूव करते हैं और 407 to 410 के बीच में सैको ऑफ रोम का वाकया आता है 400 CE में, जब जो गॉथ्स हैं वो रोम को सैक कर देते हैं और टेक ओवर कर लेते हैं रोम को। और यहाँ पर जो रोम है इसका जो आर्सेनल रूल है वो खत्म हो जाता है रोमन एम्पायर की तरफ से। अब इसके बाद जो रोमन्स हैं उन्होंने काफी कोशिश की है रोम को रीटेक करने की, लेकिन वो मोस्टली नाकाम ही हुए हैं। कुछ बार किया भी है लेकिन अक्सर जो है वो दोबारा गोट से जो है मार खा जाते थे। और 447 में क्या हुआ, हंस ने अंडर अतीला जो उनका किंग था बेजेंटीन आर्मी को डिफीट दी इसी वजह से, क्योंकि वो टेक ओवर करना चाह रहे थे। और 476 में जो ओडोअसेर है वो कॉन्कर करता है वेस्टर्न रोमन कैपिटल को आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट रोमन एम्परर। तो इस पीरियड के दौरान काफ़ी बार उन्होंने कोशिश की है रीटेक करने की, लेकिन जो गोथ्स हैं वो काफ़ी उन्होंने इन्वेजन्स कर दी थी सिर्फ रोम के अंदर नहीं डिफरेंट एरियाज के अंदर, इवन के स्पेन एंड गोल जिसमें फ्रांस आता है आपका। तो इस वजह से अब ये आपके पास यहाँ पे अगर मैं मैप दिखाऊं, ये है हमारे पास क्लिशन ने जो डिवीजन की थी वो ये थी, जिसमें हमारे पास चार डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी ऊपर, ये मुझे नजर नहीं आ रहा इसकी वजह से, डिस्ट्रिक्ट और नीचे मैक्सिमियन है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गैलेरियस एस काइजर एंड डायक्लिशियन एस अगुस्तुस। अब ये दो वो थे टाइटल्स, अगुस्तुस जो था वो एम्परर होता था, डायक्लिशियन एम्परर था इन द ईस्ट, मैक्सिमियन जो था वो एम्परर था इन द वेस्ट, और इनके साथ ये जो दो हैं काइजर थे जो रूल कर रहे थे। एंड दिस वाज द डिवीजन, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन। और ये जो है बहुत सी जो हमारे पास इन्वेजन है वो है, ये आप देखें कि इस पीरियड के दौरान बहुत से ज्यादा इन्वेजन की के वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है उसको रीटेक करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ये देखें यहाँ पे वीरगल्स आ गए जिन्होंने कार्थेज को सैक किया, विजिगोथ्स आ गए, हंस आ गए, इधर से फ्रैंक्स आ गए। तो मतलब कि इतनी ज्यादा इन्वेजन की वजह से रोम जो है वो अब बिल्कुल खतरे में था और इसको रीटेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इन 476 CE जब ओडोअसेर ने जो है कॉन्कर कर लिया था वेस्टर्न रोमन कैपिटल को,
ये माना जाता है कि ये एंड है वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, दिस इज द एंड। इसके बाद मतलब कि ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है ये खत्म है। अब सिर्फ जो है हमारे पास जो बेजेंटियन एम्पायर है वो रह जाता है, ईस्ट एम्पायर है सिर्फ वाला, ये रह जाता है, दिस वन इज गॉन। अब 500 CE में क्या होता है, एंड ऑफ पर्शियन वॉर होता है एनेस्टेसियस, अब जिसमें क्या होता है कि ये वॉर क्यों हुआ था, ये असल में जो पर्शियंस थे उनको एक सब्सिडी चाहिए थी, क्योंकि उनका जो पार्थियन एम्पायर था वहाँ पे कुछ जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी काफ़ी इन्वेड कर रही थी, और उन्होंने एक वॉल वगैरह बिल्ड करनी थी जिसकी वजह से उनके पास अभी मतलब कि इकोनॉमिकली वो उनका इकोनॉमिक डिक्लाइन, और उनके पास इतनी मतलब कि वेल्थ नहीं थी कि वो कर सकें। तो वो क्या कह रहे थे कि वो रोमन एम्पायर से सब्सिडी चाह रहे थे कि आप हमें दें ताकि हम बिल्ड करें, हमने जो डिफेंड करना है खुद को। लेकिन जो रोमन एम्परर था उसने रिफ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो है वॉर इनिशिएट हुई 502 में, पर्शियन वॉर ऑफ एनेस्टेसियस। लेकिन फिर क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला कि एंड पे रोमन एम्परर को वो सब्सिडी देनी ही पड़ी, और एक पीस ट्रीटी जो है वो इनके दरम्यान में मतलब के कायम हो गई। और 532 CE में क्या होता है कि विक्ट्री ऑफ बेलिसारियस दारास। अब ये एक एक और बैटल है, द बैटल ऑफ दारा, जो कि एक बहुत ही फेमस बैटल है आइबेरियन वॉर। इसमें क्या होता है कि जो बेजेंटीन्स हैं और सासानिक्स हैं इनके दरम्यान में एक वॉर होता है, जिसमें जो बेलिसारियस है वो जीत जाता है, बेलिसारियस की जो विक्ट्री होती है सासानिक्स के साथ। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अगले ही नेक्स्ट ईयर में एक और पार्थियन जो है एम्परर के साथ बेलिसारिस की दोबारा जंग होती है, जिसमें इसको शिकस्त होती है। तो दिस इज वन ऑफ दी वॉर्स बिटवीन ससनिट्स एंड दी बेजेंटीन द रोमन एम्पायर। इसके बाद हमारे पास जो है गोथिक वॉर्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिसमें दोबारा ये जो सारा एरिया है 500 CE में, इसमें दोबारा इन्होंने कोशिश की कि रोम को किसी तरह रीटेक करें, लेकिन फिर वही नाकाम हुए, गोथिक वॉर्स हुए, क्योंकि वहाँ पे गोथ्स थे, तो उनके साथ जो इनके बैटल हुए उनको गोथिक वॉर्स कहा जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रोगोथ्स के साथ बेलिसारियस की भी जंग हुई, और प्लस जो है उसको रीटेक किया, फिर रोम को भी रीटेक किया 536 में। लेकिन 537 CE में जो विटिजस है वो रोम को दोबारा बिसीज कर लेता है, और इसी तरह 545 CE में गोस जो हैं वो इटली का रिकॉन्क्वेस्ट मतलब कि उसको दोबारा रीटेक करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो दौर है ना, इसमें मतलब कि रोम जो है कभी रोमन एम्पायर के हाथ में जा रहा था, कभी गोस के हाथ में जा रहा था, लेकिन एंड पे जो कंक्लूजन निकली वो यही थी कि रोमन जो है वो ज्यादा देर तक उसको संभाल नहीं सके, मतलब कुछ देर के लिए वो अपने पास रखते थे, लेकिन जो गोस हैं वो दोबारा हमला करते थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा थे, उनकी डिफरेंट ट्राइब्स थी वहाँ पे, और वो उसको इसलिए रीटेक नहीं कर पाए। ओके अब इसके बाद एक्सेशन ऑफ खुसरोस जो कि है खुसरो इन पर्शिया बाय हेल्प ऑफ मॉरिस, एंड ऑफ पर्शियन वॉर। जो खुसरोस 2 है ये जो पार्थियन जो तब का एम्परर था ये उसका बेटा था, ये इसकी मतलब के सक्सेशन मतलब कि इसने नेक्स्ट एम्परर बनना था, लेकिन इसका जो वो था क्या कहते हैं उसे, इसका जो फादर था मतलब उसको असैसिनेट किया गया, और इसकी वजह से इसको मतलब कि वो सक्सेशन नहीं मिली, इसको नहीं बनाया गया किंग। तो इसने फिर क्या किया कि रोमन एम्पायर से इसने हेल्प ली कि आप मुझे इसमें हेल्प करें। और अब उसमें क्या था कि क्योंकि ये हेल्प लेने गया था, इसलिए जो रोमन एम्परर था वो निगोशिएट भी कर रहा था, तो इनकी जो है एक तरह से जो वॉर था उस वक्त जो पर्शियंस और रोमन्स के दरम्यान में जो भी मसले मसाइल उस वक्त थे वो एंड हो गए। उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, तो उसके इवज में क्या है कि हमारे ये जो मसाइल हैं ये एंड होंगे। तो सक्सेसफुली उन्होंने इसको जो है
वो इसका जो है सीट इसको दिला दी। और लेकिन अब क्या होता है कि 600 CE में कुस्रोस जो है वो सीरिया को कॉन्क्वेस्ट टेक ओवर करता है, और 613 में डमास्कस जो है उसको, और 614 में जो है और अलेक्जेंड्रिया 16 में कैप्चर कर लिया जाता है, और इसी तरह 617 में जो चाल्सेडन है वो भी कैप्चर कर लिया जाता है, और 622 to 627 में जो है पहली पर्शियन कैंपेन जो है हेराक्लिस की वो बनना शुरू होती है, वो होती है मतलब के 622 to 627 CE में। 636 में रोमन जो है वो डिफीट होते हैं यरमूक में। अब इस टाइम पे जो रोमन एम्पायर था वो काफी वीक हो चुका था, क्योंकि जो पार्थियंस जो थे, जो कुसरोस था, उसने इन्वेजन काफी ज्यादा स्टार्ट कर दी थी, और रोमन्स की जो है मोस्टली जो एरियाज थे वो कैप्चर हो रहे थे, और पर्शियंस के खिलाफ भी इनका कोई खास इनको विक्ट्री नहीं मिल रही थी, और फिर जो है इनको डिफीट जो है अरब्स की तरफ से भी इनको काफी खतरा था, और 636 में जो है इनकी डिफीट हुई यरमूक, जब द बैटल ऑफ यरमूक, एंड 637 में जो है मुस्लिम्स ने जेरूसलम जो है उसको कैप्चर कर लिया, एंड इन द 39 to 46 में जो है अरब ने इजिप्ट को कॉन्कर किया अंडर द लीडरशिप ऑफ अमर इब्न अलास, और 641 में हेराक्लिस जो है उसकी डेथ हो जाती है। अब ये तो सारे जो हैं वो अब इवेंट्स हुए। अब इसमें सिर्फ बेजेंटियन जो एम्पायर है वो रह जाता है, जो वेस्टर्न एम्पायर है वो तो खत्म हो गया है। अब 700 to 800 ये जो दौर है इसको कहा जाता है कि ये राइस था क्रिश्चियनिटी का, हालांकि जो राइस था वो काफी हद तक आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंटीन के टाइम में भी था, क्योंकि उसने जो है उनको एक मतलब के उसकी वजह से जो है क्रिश्चियंस की प्रोसिक्यूशन भी बंद हुई, और उनको वो खुद भी क्योंकि बन गया था क्रिश्चियन, लेकिन जो थियोडोसियस है उसने भी इसको काफी वो किया था, ओन किया था क्रिश्चियनिटी को, और क्या कहते हैं उसे, थियोडोसियस की वजह से भी क्रिश्चियन जो है वो क्रिश्चियनिटी जो है उसमें काफी राइज आया था। लेकिन 711 में क्या होता है कि फिलिपिकस जो है वो जस्टिनियन टू जो है उसको वो मैसेकर करता है, और खुद जो है उसमें आता है एम्परर बन जाता है, और इसके दौरान जो है अरब्स की जो है काफी हमारे पास इन्वेजन होती है, सारेजिन फ्लीट जो है जिसमें जो कि सारेडिनिया जो है वो उसको कॉन्कर करते हैं। 1716 में सुलेमान जो है वो प्रिपेयर करता है एम्पायर के ऊपर ग्रैंड अटैक, और तो जो मुस्लिमा है मुस्लिमा कॉन्स्टांटिनोपोल को जो है सी एंड लैंड मतलब वहां से जो है वो इसको बिसीज करते हैं। अब यहाँ पे जो है राइस तो हो रहा है क्रिस्टियनिटी का, लेकिन अब उसके साथ साथ इन्वेजन्स स्पेशली अरब्स की तरफ से काफी हो रही हैं, और जो है रोमन एम्पायर जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करना शुरू हो रहा है। अब लियो 3 जो था उसने इमेज वर्शिप को इसमें प्रोहिबिट किया, कि उसने कहा कि जो इमेज वर्शिप है उसको खत्म किया जाए, मतलब जो हम इमेजेस वगैरह बनाते हैं, जो आइकोनोक्लाज्म जो था असल में द एरा ऑफ आइकोनोक्लाज्म, उसको इसने उसके खिलाफ इसने बात की। लेकिन अब जो ईस्टर्न एम्पायर था वो आइकोनोक्लाज्म जो था उसको मतलब कि वो करते थे उसके खिलाफ थे, वो इसको ठीक नहीं समझते थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक एक गॉड में बिलीव करना और एवरीथिंग, देयर बिलीव्स वर क्वाइट ट्रू, तो इसने जो है इन चीजों के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया और इसको खत्म करने का कहा। अब जो सारजिन जो है वो डिफीट होते हैं 800 CE में ही नाइसी में। अब सारे जिन जो है उन्होंने क्योंकि सारे दीनिया जो है उसको उसकी पोजेशन तो ली थी, और इन्होंने और भी इन्वेड किए थे इलाके, लेकिन 800 CE में जो है इनको एशिया माइनर से निकाल दिया जाता है, इनको डिफीट होती है। और इसके अलावा जो है नाउ दिस कॉन्स्टेंटिन जो यहाँ पे लिखा है जो कि प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है 761 में ऑफ द मॉन्क्स,
ये कॉन्स्टेंटीन जो है ये वो वाला नहीं है, कॉन्स्टेंटीन जो वन था वो कॉन्स्टेंटीन थोड़ा और था, ये कॉन्स्टेंटीन कोई और है, जो कि अब 761 CE में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है मॉन्क्स की। तो इसमें राइज भी था एक तरह से क्रिश्चियनिटी का था, क्योंकि वो ट्रू बिलीफ को एक तरह से वो कर रहे थे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन जो है दूसरे जो मजाहिब हैं उनकी भी स्टार्ट हुई, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को तो अगर वो ले रहे हैं एज अ ट्रू बिलीफ और वगैरह, तो वो बाकी जो हमारे पास रिलीजन्स हैं उनकी जो है उनके जो मानने वाले हैं उनकी प्रोसिक्यूशन वगैरह शुरू हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि इसका राइज एंड फॉल हुआ अराउंड दिस पीरियड। अब वो क्यों हुआ उसकी डिफरेंट जो है हम एक्सप्लेनेशन मिलती हैं। कुछ कहते हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो राइज में आई, इस वजह से एम्पायर जो है वो गिर गया, स्प्लिट हुआ, और इसकी वजह से द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हुआ। वो क्यों? क्योंकि पहले जो इनका रिलीजन था उसमें जो एम्परर था उसको एक तरह से गॉड का मर्तबा देते थे, कि अगर आप एम्परर के खिलाफ जा रहे हैं तो आप समझ लें आप गॉड के खिलाफ जा रहे हैं। तो कुछ जो है वो स्कॉलर्स कहते हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो आ गई उसकी वजह से जो एम्परर थी उसकी पावर जो है वो कम हो गई और उसको लोग इतनी अहमियत नहीं देते थे, इस वजह से रोमन एम्पायर जो है वो मतलब के फॉल हुआ। लेकिन कुछ जो है वो कहते हैं कि ये इनके आपस के जो है मसले मसाइल, जो आपस के सिविल वॉर्स हैं, जो डायक्लेशन ने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, उसकी वजह से जो है फॉल हुआ, क्योंकि उसने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया रोमन एम्पायर को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो वेस्टर्न जो था वो गोथिक्स ने आके उसको इन्वेड किया, उसको टेक ओवर किया, उसको संभालना मुश्किल हो गया, तो ये कहा जाता है। तो ये अब आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है कि आपने कौन सी जो है वो एक्सप्लेनेशन लेनी है और कौन सी नहीं, लेकिन इस वजह से जो है रोमन एम्पायर हमारे हाथों से निकला, हमारे तो नहीं उनके हाथों से निकला। तो यहाँ पे आपको जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर दिख जाएंगे, ये जो है ईस्टर्न बेजेंटीन एम्पायर है पर्पल में और रेड में है वेस्टर्न एम्पायर फ्रैंकिश किंगडम्स। ओके एंड दिस इज वन ऑफ दी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रोमन एम्पायर जो के आर्ट की फॉर्म में है। थैंक यू।